मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा से आपको बताता आ रहा हूँ कि डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल करने के लिए। हमारी कंट्री में जो सबसे ज़्यादा एफर्ट वाला एग्ज़ाम होता है, जो कि होता है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में जो टॉपर्स होते हैं वो हमारे लिए एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं, मेहनत का बेंचमार्क एक सेट कर देते हैं। हम उनको देखते हैं, उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, हमारे मन में इच्छा होती है कि हम जो है उनकी तरह मेहनत करके शायद उनके मुकाम तक शायद हम भी पहुंच जाएं, या फिर उनके मुकाम तक नहीं भी पहुंच जाएं तो जीवन में मेहनत करना ज़रूर सीख जाएं। अब ये मेहनत हर जगह की फील्ड में होती है, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पहली चीज़ तो मैं बता दूँ, ये इंटरव्यू आप देखिएगा, बहुत इंस्पिरेशनल है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विसेज वालों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। इनफैक्ट इसको हमने इस तरीके से बातचीत को किया है, इसमें हम ये सब बात नहीं कर रहे हैं कि प्रिलिम्स की तैयारी कैसे करें, मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करें, नहीं, हम एक माइंडसेट के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो कड़ा परिश्रम करना जानते हैं, खुद को जीत जाते हैं, उनका माइंडसेट कैसा होता है। उनमें से आप लोगों ने जो बहुत सारे हज़ारों आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे, आप लोगों ने जो कम्युनिटी पोस्ट था उसमें, जो हमने इंस्टाग्राम में, उसमें आपने इतने क्वेश्चंस पूछे, उसको रिफ़ाइन करके बहुत ही अच्छे आप लोगों ने जो सवाल पूछे थे उनको कंबाइन करके, रिफ़ाइन करके वो मैंने ऑन योर बिहाफ पूछे हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट वेरी वेरी हम्बली कि आप पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से, और ये मत सोचिएगा कि मैं तो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ या मैं तो बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ तो मेरा इस वीडियो को देख के क्या काम है। ये वीडियो बनाई गई है एक माइंडसेट को समझने के लिए। हम ये नहीं कहते कि सबके सब IAS बन जाओ, हम ये कहते हैं कि जिसने भी अपनी फील्ड में अव्वल दर्जे का स्थान हासिल किया है उसके माइंडसेट को समझिए, चाहे वो कोई भी हो। और यही वीडियो आपको ये चीज़ बताने वाली है, मेरे प्यारे दोस्तों। सो आई होप कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी और आप इसको ज़रूर शेयर करेंगे। आप अपने आप कंपेल हो जाएंगे, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद ही कंपेल हो जाएंगे कि इस वीडियो को शेयर किया जाए और संजीता मैडम के एक्सपीरियंसेस को सबको बताया जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद। मैम, आई हार्टली वेलकम, एंड सो मेनी पीपल आर देयर हु आर विलिंग, बहुत सारे लोग थे जो लोग बहुत ज्यादा विलिंग थे कि संजीता मैम को बुलाइए, हमारे स्टेट से, हमारी पड़ोसी हैं, मेरे स्कूल से हैं, मेरे कॉलेज से हैं, मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। एक ने कमेंट किया था कि संजीता मैम सेम पिंच, तो किसी ने पूछा क्यों, तो मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ऐसे करके। नमस्ते सबको, एंड मेनी मेनी थैंक्स आगर जी को फॉर इनवाइटिंग मी ऑन टू दिस प्लेटफॉर्म, एंड होप सो अच्छा बहुत एक लाइवली सा कन्वर्सेशन करते हैं, विच विल बी फन। राइट मैम, बिल्कुल। एक्चुअली मैम, ये क्या होता है ना, हम लोग अभी नॉलेज की अधिकता के युग में जी रहे हैं, मतलब हर चीज के लिए हमें 10 सोर्सेज 20 सोर्सेज मिल जाते हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जो लोगों ने बिल्कुल अलग तरीके से आपसे पूछे हैं। हमने कम्युनिटी पोस्ट डाला था मैम, कम्युनिटी पोस्ट डालने के बाद मेरा काम बढ़ गया बहुत बड़ा, और 1280 कमेंट आए और उसमें 8000 से ज्यादा लोग विलिंग थे कि उन कमेंट्स में भी लाइक्स होते हैं, उन कमेंट्स के भी अंदर कमेंट्स होते हैं। तो मतलब टोटल मिलाकर अगर मैं बात करूँ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे, तो ऑलमोस्ट 8000 कमेंट्स थे, और इतने सारे कमेंट्स इतने सारे लोगों ने किए, मतलब आपको इतना लोग एडमायर करते हैं, आप एक इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए। तो मैम, मैं सबसे पहले सीधा आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, और वो ये है मैम कि इस जर्नी की स्टार्ट कैसे हुई। इस जर्नी की स्टार्ट, मैं राउरकेला को बिलोंग करती हूँ, एक टायर 3 बहुत छोटी सी सिटी है जो बस राउरकेला स्टील प्लांट के नाम से जानी जाती है और किसी को पता नहीं आता क्या है। तो वहां पे हमारा एवेन्यूज बहुत कम था, मैं बहुत अच्छा पढ़ती थी बचपन से, तो जब भी मम्मी पापा से, मेरे टीचर से, स्पेसिफिकली स्कूल के टीचर से कोई पूछता था ना, मैं क्लास 4 या 5 की थी, एम ऑफ माय लाइफ लिखना होता है ऐसे कि आप लिखो व्हाट इज योर एम ऑफ योर लाइफ, मुझे तब समझ नहीं आता था। तो टीचर से किसी ने पूछा क्या बनेगी ये बड़े होके, उन्होंने बोला कलेक्टर बनेगी। फिर मैंने उनसे पूछा था कलेक्टर क्या होता है, तो उन्होंने बोला IAS ऑफिसर बनोगी और कलेक्टर बनोगी। हमारे तब राउरकेला में जो ADM सर थे उनका नाम लिया था, तो मुझे बहुत ही फेंट आइडिया था, तो इट स्टार्टेड आउट लाइक दैट। मेरे दिमाग में बैठ गया था बड़े होके कलेक्टर ही बनना है, उसका मतलब क्या है वो तब समझ नहीं आया था, बस इतना पता था
आप उससे बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो अपने सिटी में, तो उससे शुरुआत हुई थी। मैम ये रहता है बिल्कुल, ये जब हम लोग बचपन में स्कूल में पेट्रियोटिज्म की एक भावना डेवलप करवाई जाती है, ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं, फिर बताया जाता है कि आप कैसे चेंज ला सकते हो, तो वहां पे कहीं ना कहीं ये आईएएस ऑफिसर कलेक्टर की बातें की जाती हैं। जी 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 ऐसा किस्सा अपने बचपन का जहां पे आपको एकदम श्योर हो गया कि, या फिर अपने मन में आ गया कि अब मुझे मतलब डीएम मतलब बनना ही बनना है, मतलब कलेक्टर आईएएस ऑफिसर तो बनना ही है। हमारे स्टेट के एक बहुत रेप्यूटेड आईएएस ऑफिसर है, ही इज एट अ वेरी हाई पोस्ट नाउ। 2000 में वो 2000 बैच के आईएएस ऑफिसर थे, वो एडीएम बन के आए थे 2004 में, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जब वो आए थे वो इलीगल इंक्रोचमेंट्स हटा रहे थे, उनका सबसे बड़ा टारगेट वही था, इलीगल इंक्रोचमेंट्स बना के सिटी को ब्यूटिफाई करना। उसमें समहाउ मेरा घर मेन रोड पे ही पड़ता है, उसमें हमारा जो घर का छज्जा होता है एक्सटेंशन था सामने का, वो थोड़ा सा इलीगली बाहर था, इट वॉज नॉट कम्प्लीटली आउटसाइड बट प्लान के हिसाब से थोड़ा ज्यादा बाहर था। तो जब बुलडोजर लाया गया, सारे इलीगल इंक्रोचमेंट्स हटाए गए, हमारा वो घर का छज्जा भी तोड़ दिया गया। मैं तब एनसीसी में थी तो कैंप गई हुई थी, मैं घर वापस आई उस दिन मेरा कैंप खत्म हुआ था, मैं आई अपने एरिया में घुसी और देखा चारों तरफ तोड़फोड़, तो काफी शॉक थी। मैं अपने घर पहुंची वहां देखा तोड़फोड़, मेरी माँ अंदर बहुत गुस्से में बैठी थी, तो मैंने मम्मी से पूछा क्या हुआ। मम्मी ने मुझे फोन पे बताया था कि ऐसे इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है, और फिर मम्मी ने मुझे बताया कि एडीएम ने आके ये करके गया। मेरी माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, क्लास 5th तक ही पढ़ी है, बट बहुत स्ट्रांग वुमेन है, उन्होंने मुझे स्ट्रांग बनाया है अपनी जिंदगी में। तो वहां से फिर आपने डिसाइड किया कि भाई आईएएस मतलब कुछ तो पावर तो है, मतलब हाँ। आके किसी का घर में मतलब एंक्रोचमेंट कर जो किया हुआ है तोड़ सकता है, तोड़ सकता है तो कुछ तो पावर तो है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसी कुछ चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें जो दिमाग में हमारे एक माइंडसेट क्रिएट कर देती हैं। मैं कहूंगा इस बार के जो टॉपर्स हैं, आप 10th रैंकर, अभिषेक सराफ हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, 8th रैंकर, प्रदीप सिंह हैं, 1st रैंकर, मैं कहूंगा आप लोग ना एकदम ट्रेंड ब्रेकर्स हैं इस बार के, जो हमेशा से जो चीजें रही हैं, अभी टॉप 10 की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी मैं अभी जो टॉप 50 में जानता हूँ, ऐसे में 10 लोग और जानता हूँ जो टॉप 50 में है, जो कि इन इस ट्रेंड ब्रेकर्स की कैटेगरी में आते हैं, और ये जरूरी था मैम ट्रेंड को ब्रेक करना। कहीं ना कहीं ये चीजें ना लोगों के दिमाग में जा रही थी कि फ्रेशर्स का ही सिलेक्शन होता है, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको ज्यादा इंटरव्यू में वेटेज मिलता है, ये भी चीज होता था कि अगर आप जॉब छोड़ते हो ब्रेक लेते हो तो यूपीएससी इंटरव्यू में शायद चीजें नेगेटिव हो जाती है, तो ये चीजें मैम आप लोगों ने ना एक ट्रेंड को ब्रेक किया है। अब आप ये बताने की मतलब आपके रिजल्ट से ये मतलब हर जगह मैसेज गया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और यूपीएससी ने एक तरीके से इनडायरेक्ट मैसेज दिया है कि अगर आप में काबिलियत है तो इट डज नॉट मैटर, योर बैकग्राउंड डज नॉट मैटर, आपने क्या किया है अभी तक लाइफ में इट डज नॉट मैटर, अगर आपका अगर डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है उसमें वो कुछ नहीं देखते हैं, यो आपकी क्वालिफिकेशन, आपने स्कूल में 90% रखा कि नहीं, 12th में टॉप किया कि नहीं, डजंट मैटर। अभी रिसेंटली आई रिमेम्बर जब एग्जाम्स के मार्क्स आए थे, एक टॉप आईएएस ऑफिसर ने अपना रिपोर्ट कार्ड शेयर किया था, फिर उन्होंने केमिस्ट्री में कितने पुअर्स मार्क्स रखे थे, सो इट डजंट मैटर एट ऑल। आप में वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आप में वो काबिलियत है, डिटर्मिनेशन, और आप बनना चाहते हो, वो जुनून होना चाहिए आपके अंदर बस, और फिर आप अपनी पढ़ाई के स्ट्रेटजी से, अपने तौर तरीके से, पूरे जो प्रोसेस होता है, यूपीएससी कभी भी कोई ट्रेंड नहीं सेट करना चाहता कि हम न्यू लेना चाहते हैं, ओल्ड लेना चाहते हैं, वो सब मिथ्स है, प्योर मिथ्स, प्योर मिथ्स, एक्चुअली प्योर मिथ है। लास्ट ईयर मैम हुआ ये कि एक स्टूडेंट जो है, जब हमने लास्ट ईयर अक्षत जैन सर का इंटरव्यू लिया था, उसका एक स्टूडेंट ने मेरे से पर्सनली बात की थी कि सर मैं 2 साल से ड्रॉप लिया हूँ यूपीएससी की तैयारी के लिए, और अनफॉर्चुनेटली इस साल उन्होंने मतलब जैसे आप लोग लगे रहे लगे रहे लगे रहे, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ड्रॉप कर दी प्रिपरेशन, अब प्रिपरेशन ड्रॉप कर दी तो ऑब्वियसली बात है सिलेक्शन तो होगा नहीं, अब वो उस चीज का मलाल रखते हैं क्योंकि उनको किसी ने बता दिया था, एक मिथ हो गया था, किसी ने बता दिया था कि बहुत ज्यादा ड्रॉप लोगे तो इंटरव्यू में नेगेटिव हो जाएगा, और इतना अच्छा करके भी क्या फायदा जब इंटरव्यू में नंबर ही नहीं आएंगे। तो मैंने सबको बोला था कि अगर आप ड्रॉप लेते हो, कुछ भी लेते हो, जब वो इंटरव्यू में आपको पूछते हैं ना, जस्टिफाई करो अपना ड्रॉप को, बोलो मेरे को करना था यूपीएससी, मैंने ड्रॉप लिया,
इफ यू आर डिटरमिंड एंड जस्टिफाई योर ड्रॉप, देयर इज नथिंग दे कैन टेल अबाउट इट. उन्हें भी पता है बच्चे 5 5 6 6 साल प्रिपरेशन करते हैं, सो इट्स एब्सोल्युटली नॉट एन इश्यू एट ऑल. एग्जैक्टली मैम. तो ये एक ट्रेंड ब्रेक हुआ है इस बार, बहुत लोगों को एक बहुत ही एक पॉजिटिव मैसेज गया है, सभी के लिए पॉजिटिव मैसेज गया है. एंड दूसरा एक और एक ट्रेंड ब्रेक हुआ है मैम, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं और ये बहुत बिल्कुल सही है कि एक ना लेवल्ड ग्राउंड बन गया है. मतलब आप मैम क्या कहते हैं कि क्या एक स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पे डिपेंडेंट है, जो अंडमान में बैठ करके सोच रहा है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूंगा देश का, क्या वो आज की डेट में इंटरनेट की मदद से आईएएस ऑफिसर बन सकता है? बहुत आराम से, सोर्सेस इतने ज़्यादा वरीड हो गए हैं, इंटरनेट इतना एक्सेसिबल हो गया है. मैंने पूरी अपनी प्रिपरेशन इंटरनेट के सहारे ही गुजार दी, पूरी A to Z की प्रिपरेशन. आपको न्यूज़पेपर्स ऑनलाइन मिल जाते हैं, सारे मटेरियल्स ऑनलाइन मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज ऑनलाइन मिल जाते हैं, एवरीथिंग इज देयर. आजकल पीयर टू पीयर ग्रुप बन जाता है, आप कोई टेस्ट सीरीज में कहीं आंसर लिखते हो, सब कहते हैं हम टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर सकते. कभी कभी मेंस के टेस्ट सीरीज काफी कॉस्टली होते हैं, सब उसे ज्वाइन करके आंसर नहीं लिख सकते, तो लोग पीयर ग्रुप बनाते हैं उसके लिए. पीयर टू पीयर 3 4 लोगों ने मिलके जो सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना एक दूसरे का पेपर करेक्ट करते हैं, तो देर आर मेनी फोरम्स नाउ. अगर आप सोशल मीडिया दिस और इंटरनेट मीडिया उसको अगर पॉजिटिव तरीके से यूज करना सीख लो एक बारी, तो वो आपका सबसे बड़ा साथी बन जाएगा. इट इज वेरी ट्रू. एग्जैक्टली. अब सोशल मीडिया को कुछ लोग कर्स करते हैं, लेकिन हाँ, हर सिक्के के मैम दो पहलू होते हैं, वो यूज करने वाले के ऊपर रहता है, यूज करने वाले के ऊपर होता है. वही चीज है, एक चाकू है, उससे हर तरह का काम किया सकता है, घर में सब्जी भी काटी जा सकती है, सर्जन जो है उससे सर्जरी भी कर सकता है एक नाइफ की मदद से, और साथ ही साथ एक जो क्रिमिनल होगा वो उससे दूसरे काम भी कर सकता है. वही बात है कि सोशल मीडिया मैम एक लेवल ग्राउंड प्रोवाइड तो कर दिया है, क्योंकि मटेरियल हमें इजिली मिल जा रहा है. तो ये जितने भी लोग जो लोग ये सोचते हैं कि आप दिल्ली में नहीं आ सकते या किसी बड़ी सिटी में जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते, आप भी एक आईएएस ऑफिसर वो भी टॉप रैंक के साथ आप बन सकते हैं. गिवन दैट कि मैम एक पॉइंट यहाँ पे आता है, ये जब सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो मोटिवेशन की बात होती है कि खुद के अंदर से मोटिवेशन. तो मैम ये जानना चाहूंगा मैं कि आपने अपनी पूरी प्रिपरेशन में डिसिप्लिन कैसे बना के रखा, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइंड कैसे रखा, आपकी रूटीन क्या थी? मैम आपको ऐसा कभी होता था कभी कभी डिप्रेशन जैसी कोई चीज आए दिमाग में, ऐसे बहुत बहुत ही डाउन फीलिंग आए कि अरे यार क्या क्या कर दिया? क्योंकि आपने जॉब छोड़ा था, जैसा कि हम जान रहे हैं, आपने बाकी इंटरव्यू से बताया भी है कि आपने जॉब छोड़ दिया था, राइट? तो जॉब आदमी जब छोड़ता है ना, तो एक बहुत बड़ा स्टेप हो जाता है जीवन का, बहुत बड़ा स्टेप हो जाता है. तो जब जॉब छोड़ रहे होते तो हर तरफ से एक ना एक वो भी आता है, प्रेशर भी आता है कि यार स्टेबल जॉब है क्यों छोड़ रहे हो. तो मैम ये हम जानना चाहेंगे कि क्या थी वो चीजें जो जॉब छोड़ने के बाद भी आपको डिसिप्लिन रखी? जब मैंने बचपन से स्कॉलरशिप में पढ़ाई करी है, तो मेरे पेरेंट्स, माय फादर वाज नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ बोथ, वी आर टू सिस्टर्स, तो वो दोनों का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे, तो बचपन से ही मैंने स्कॉलरशिप में पढ़ाई की, तो वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बचपन से ही आ गई थी मेरे अंदर. तो जॉब में भी मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, घर चलाती थी मैं, क्योंकि ना मेरी दीदी बाहर रहती थी, तो आई यूज टू डू एवरीथिंग फॉर माई हाउस. हर महीने अकाउंट में सैलरी देखने की खुशी बहुत अलग होती थी. तो जब मैंने, जैसे आपको बोला कि मैं रौरकला स्टील प्लांट में काम करती थी, तो रौरकला की पहचान उसी से होती है, तो वहां जॉब करना मतलब लोगों को लग गया कि ये तो टॉप लेवल का जॉब करती है. जैसे ही मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब छोड़ूंगी, पूरी सोसाइटी में जितने लोग थे सबने मेरी माँ को बोलना चालू कर दिया कि ये करना तो खुदकुशी है, उसने जो RSP की जॉब छोड़ दी. तो मैंने माँ को अपनी बताया था कि जब मैं रिजाइन करूँ आप किसी को बताना मत, तो she had made sure कि किसी को ना पता चले. सेकंड चीज जब मैं बता रही थी आपको कि जब मैंने छोड़ दिया और हर महीने अकाउंट में सैलरी नहीं आती थी, तो बहुत तकलीफ होती थी. इट्स नॉट दैट आई एम नॉट फाइनेंशियली स्टेबल नाउ, बट द थिंग इज कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर अ वुमेन बहुत अलग हो जाता है. इट्स वेरी डिफरेंट. अब मुझे मेरे घर में मेरे मम्मी पापा को देखने के लिए कि मेरे अपने पसंद की उनको कुछ सामान खरीदवा दूं, वो बहुत मिस करती थी. तो उसमें अपने आप को कैसे मोटिवेट रखती थी, मैं ये सोचती थी जब मैंने अपना जॉब छोड़ा, वो डिसीजन वाज नॉट अ वन फाइन डे आज सो के उठी और सोचा आज जॉब छोड़ देती हूँ. एक साल लगा टू मेक माई सेल्फ, मेक माई माइंड कि मुझे जॉब छोड़नी है, और ये डिटर्मिन करने के लिए कि अगर जॉब छोड़ रही हूँ
तो अपनी जी जान लगानी है निकालने के लिए, वो मैं एक लीव ही नहीं दे सकती। मैं राइट जॉब छोड़ रही थी ताकि मैं अपना फुल फोर्स लगा लूं। जब भी डीमोटिवेटेड होती थी, डिप्रेस्ड हो जाती थी, और फिर मैं खुद बैठ के ना अपने पुराने दिनों को याद करती थी, सब कुछ फ्लैशबैक होता था। क्या तकलीफ सही है, क्यों सोचा कि इतनी स्टेबल जिंदगी छोड़ के ना ये इतनी टफ करियर चूज क्यों किया, वो सोचती थी बैठ के कि मम्मी पापा ने कितनी मेहनत की कि आज इतने ऐसी जगह पे मुझे बैठा सके, यहाँ बड़ा कर सके। तो वो हमेशा फ्लैशबैक में जाती थी और फिर अपने आप मन भर जाता था। और आई कुड थिंक करना है संजीता, देयर इज नो अदर वे, कुछ और सेकंड चलिए है नहीं आपके पास। अगले दिन सुबह उठो, फिर से वही स्ट्रगल, वहीं से चालू करो, बस एंड ऑफ डिस्कशन। यही कहा जाता है मैम यूपीएससी की प्रिपरेशन में ना, फेल एवरी डे राइज एवरी डे, फेल एवरी डे राइज एवरी डे। हर दिन मतलब आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की, आपकी प्रिपरेशन में आपको लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ, लेकिन आपको खुद को फिर से वापस खड़ा करना है। और मैम ये जर्नी ना कहीं 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 ना कहीं आपके अंदर जो क्वालिटीज आपको चाहिए, एक आईएएस ऑफिसर में जो क्वालिटीज चाहिए रहती है, जो एक पब्लिक से डील कर रहा है, वो क्वालिटीज आपके अंदर डेवलप हो जाती हैं। बहुत सही कहा आपने, मेरा ये पूरा जर्नी उसी का। मैं एक बहुत ही हॉट हेडेड लड़की हूँ, हुआ करती थी आईल से, नॉट नाउ। काफी गुस्सैल थी मैं, जिद्दी गुस्सैल, और मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता था। पूरी यूपीएससी की जर्नी में ना बहुत काम शांत कर दिया है मुझे। इट हैज मेड मी वेरी हम्बल, क्योंकि ना पेशेंस चाहिए इस टेस्ट में, इस एग्जाम में आपको पेशेंस चाहिए। आप पेशेंस लूज नहीं कर सकते, यू हैव टू वेट, यू हैव टू स्टे हम्बल। तो ये सारी चीजें ना आपको ये प्रोसेस में अपने आप आते जाता है। कितना भी बड़ा इंसान इसमें अपने आप टोन डाउन हो जाता है, तो यू बिकम एन ऑफिसर इन द प्रोसेस। इट्स अ यू बिकम अ वंडरफुल ऑफिसर, जर्नी। मैम बहुत सही बोला आपने, यू बिकम एन ऑफिसर इन द प्रोसेस। आप ऑफिसर अभी नहीं बने हैं, आप उस प्रोसेस में ही नहीं ऑफिसर बन गए हैं, उस प्रोसेस में आपका माइंडसेट डेवलप हो चुका है। बहुत सही मैम, बहुत सही। तो मैम ये जैसे कि आपने बात किया कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि बीच बीच में डिप्रेस कर दे, डिमोटिवेटेड कर देती हैं, तो ऐसी कौन सी चीजें थी जो आपको पर्सनली डिमोटिवेट करती थी? मुझे वो अनसर्टेनिटी यूपीएससी में, जब आप प्रीलिम्स लिखते हो ना, सबको पता है कि प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर होता, सब यही। मुझे जितने भी अब तक मैसेज आए, मैडम प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहा है। तो जब आप प्रीलिम्स लिखते थे, उसके बाद जो वेट होता था ना 2 महीने का, वो बहुत एक्सक्रुशिएटिंग होता था मेरे लिए। आई यूज टू गेट वेरी डिप्रेस देन, क्योंकि ना आप कितना भी कैलकुलेट कर लो, क्या पता कहाँ माइनस हो गया, कहाँ पॉजिटिव हो गया। सो दैट पॉइंट इज वेरी डिप्रेसिंग फॉर मी। और बाकी मैं उस समय की पढ़ाई भी आई थिंक लगता है कि थोड़ी सी डगमगाई रहती है, अनसर्टेन हाँ, रहती है कि किधर पढ़े, किस यस, डायरेक्शन में हाँ। पढ़े। इंसान की फितरत ऐसी होती है, हम गवर्नमेंट जॉब क्यों ढूंढते हैं, लोग गवर्नमेंट जॉब क्यों जाते हैं, हमें स्टेबिलिटी चाहिए। तो जब यूपीएससी कैसा है कि अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा रहती है, तो इट इज बिट डिफिकल्ट। एक तरफ चाहिए स्टेबिलिटी, लेकिन वो मिलेगी अनसर्टिनिटी से। वही तो मैम ये एक चीज होती है, जैसे जब पढ़ाई करते हैं तो मेजोरिटी ऑफ द बच्चों ने पूछा है कि जब पढ़ते हैं तो स्ट्रेस बहुत डेवलप होता है लाइफ में, माइंड में स्ट्रेस डेवलप होता है, तो स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए क्या चीजें आप करते थे पर्सनली, ताकि अगर कोई वो चीजें परज्यू करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी तो वैसे तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि हम आपके बारे में जानना चाहते हैं अभी, तो आप ऐसी कौन सी चीजें करते थे जो आपको पर्सनली स्ट्रेस से रिलीव करती थी? मुझे घर पे अभी आई रियली लाइक टू रन, मुझे दौड़ना बहुत पसंद है। तो कभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता तो ईयरफोन डालो कान में और बस भागने निकल जाओ। मैं वॉक करती रहती थी, करती रहती थी, भागती थी। घर पे वर्कआउट कर लिया, कोई भी यूट्यूब पे वीडियो लगा लिया और 1 घंटे वर्कआउट कर लिया। वो जो पंपअप होता है बॉडी, फिर इतना एनर्जाइज लगता है, तो बहुत खुशी होती है। मैं तो रिलैक्स हो जाती हूँ। मेरे लिए एक्सरसाइज वर्क्स द बेस्ट। सेकेंड इज, मुझे खाने का बहुत शौक है। द प्रॉब्लम इज, मुझे खाने का शौक है और मोटा भी नहीं होने का मन है। सो एवरीथिंग, तो वर्कआउट दोनों भी कर बैलेंस लो, हो गया है, दोनों दोनों बैलेंस, बैलेंस कर लेती थी। एंड आई राइट। कुक अ लॉट, एंड मैं बहुत ज्यादा कुकिंग करती हूँ। मुझे कुकिंग इज वन ऑफ माई हॉबीज। तो नए चीजें बनाती हूँ और बहुत सारा खाती हूँ और एक्सरसाइज कर लेती हूँ। इट मैम इज वन, जैसा कि बिल्कुल बहुत सही। तो मैम जो कुक करते हैं आप, तो अब मैं आना चाहूंगा आपके थोड़े घर पे। तो मैम जैसे आप मैरिड हैं एंड यू गॉट मैरिड इन 2017, राइट?
यस, सो जनवरी 2017 में आप मैरिड हुए थे, तो आपका जो मेनली जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है, मैं कहूँगा आपके हस्बैंड रहे होंगे, जो जिन्होंने आपको पूरा समय जो है बना के रखा होगा कि यस संजीता यू कैन डू इट, है ना। सो मैम उनके बारे में आप बताइए कि कुछ ऐसा जो जिसे एक पता चले कि एक सपोर्ट सिस्टम जो रहता है वो कैसा होता है। मैं बहुत लोग नहीं जानते हैं, मैंने किसी प्लेटफॉर्म में ज्यादा बताया नहीं. माय हस्बैंड एंड आई हैव अ लव मैरिज, सो वी आर हैव अ कंपेनियनशिप ऑफ 10 years नाउ. 10 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं. 7 साल रिलेशनशिप के थे, 3 साल शादी के. सो सिंस दिस 10 years मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैन मेरा हस्बैंड है. तो ही इज माई बिगेस्ट फैन. उनको लगता है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, आई एम अ सुपर वुमन. So, he has always motivated me in all these things. He is an ex UPSC aspirant. 3 बारी मेंस लिखा, 2 बारी इंटरव्यू दिया और दोनों बारी वो कट गए 10 मार्क्स 20 मार्क्स से. तो उनका सपना था कि तुम्हें तो मैं IAS बना के रहूंगा, तुम बनोगी IAS. तो ग्रेट, वो उनका बहुत बड़ा सा विश्वास रहा है मेरे पे. एंड वी हैव ही इज माई ग्रेटेस्ट मेंटर, माई बेस्ट फ्रेंड. ही इज एवरीथिंग टू मी. सो हम वी आर जस्ट लाइक बॉन्डेड टूगेदर. आई कांट डिस्क्राइब एनीथिंग. सो ही इज द बेस्ट पर्सन आई हैव इन माई लाइफ एंड आई एम वेरी हैप्पी आई मैरिड माई बेस्ट फ्रेंड. सो लाइफ इज वेरी इजी फॉर मी. सब अब कहते हैं तुम IAS बन गई, फैमिली की तरफ से अलग प्रेशर होता है ना, अब तुम चली जाओगी, कैसे मैनेज करोगे, साथ कैसे रहोगे एंड ऑल दिस थिंग्स. तो वो कहते हैं इतनी मेहनत की लड़की ने 3 साल 2 साल से उसका निकल गया, अब हम अपनी जिंदगी कैसे मैनेज करेंगे. वी विल सॉर्ट इट आउट, डोंट वरी, राइट, इट विल बी डन. सो उतने लेवल का उनका सपोर्ट है मेरे को इन एवरीथिंग. मैम आई कैन रियली सेंस दैट मैम कि एक कंपेनियनशिप का कितना बड़ा रोल हो सकता है बहुत आपकी, बड़ा, बहुत बहुत बड़ा. बड़ा, बहुत एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने से लेकर के आपको कंटिन्यूअसली आपको अपने ऊपर भरोसा, जब आपको आप खुद के ऊपर शायद कभी भरोसा ना हो। क्योंकि ना एक टाइम होता है जब आप शादी कर लेते हो, सबके दिमाग में होता है अब 20 13 ईयर कर रहे हो, बच्चा तो कर ही लो तुम. वो तो अलग ही प्रेशर रहता है उसमें. आप कितना, आप अगर मुंह खोल के बोलते हो तो सब कहते हैं देखो करियर ओरिएंटेड वुमेन है, हाँ करियर देखना है, फैमिली नहीं देखना है. तो उसमें आपके हस्बैंड ही सामने आके कहते हैं कि करना तो मुझे है, हमें है, तो वी विल डिसाइड, यू डोंट हाँ वरी अबाउट इट. मैम अगर बहुत मैं सही, तब कहती हूँ तो मैं बुरी बन जाती हूँ, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है. एंड दैट इज हाउ इट हैज हेल्प्ड अ लॉट. डेफिनेटली मैम, एंड इट इज एक्चुअली मैं कहूंगा एक बहुत ही बड़ा एक इंस्पिरेशन है उन सभी विमेन के लिए जो सारे के सारे मैम मतलब जिनके ऑलरेडी शादी हो गई है, कुछ बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन वो कहीं ना वो पुल्ड बैक फील करते हैं ये सब होने के बाद। आप लोगों से एक जो लोग व्यूअर्स हैं हमारे, मैं उनसे एक ये करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, एक बहुत ही जेन्युइन रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो आई थिंक ऐसे लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचेगी जो जिनको इंस्पायर ये कर सके। और मैम की स्टोरी जैसा कि आप जान रहे हैं कि इट हैज बीन क्वाइट यू नो इंस्पायरिंग, एंड इन टर्म्स ऑफ कि अगर हम बात करें कि आज की डेट में लड़कों को तो मौके मिल ही जाते हैं मैम, लड़कों को अगर 2 साल भी मांग लेंगे ना तो लड़कों को 2 साल और मिल जाएंगे, लेकिन लड़कियों के लिए मैम अभी भी इंडिया में बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है, बहुत. मैम। एंड आई होप कि दैट योर जर्नी विल चेंज द माइंडसेट ऑफ मेनी पीपल, और अगले साल हमें फिर से इसी तरीके से कोई और संजीता दिख रही होंगी इसी रैंक जरूर पर। जरूर डेफिनेटली जरूर ऐसा ही हो. मैम एक और चीज, अब ये पूछा है सार्थक ने, हाउ इन दैट प्रिपरेशन पीरियड यू मैनेज योर सोशल लाइफ, आप अपने सोशल लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं, क्या आप कट ऑफ हो गए सबसे, सिर्फ अपने अपनी फैमिली तक सीमित रहना और बाकी चीजों से कट ऑफ, या फिर यू आर एंगेज्ड इन सोशल लाइफ आल्सो। मैंने अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी चालू बहुत अच्छे से 2013 से की थी, जब मैंने जॉब ज्वाइन किया था. तब मैंने NCERTs वगैरह सब पढ़ना चालू किया था. तो मेरा सोशल लाइफ बहुत ही ब्रॉड है. आप यू कैन सी फ्रॉम इट कि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, तो चबड़ चबड़ करती हूँ मुझसे. आई हैव अ ह्यूज सेट ऑफ फ्रेंड्स. मेरे डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं बहुत कनेक्टेड हूँ. मेरे सारे फ्रेंड्स को इस वीडियो के थ्रू से बोलना चाहती हूँ, तुम सबके वजह से मैं बन गई. आई नेवर कट ऑफ फ्रॉम माई सेल्फ फ्रॉम सोशल लाइफ. कि उससे क्या होता है, डिप्रेशन में जल्दी चला जाता है इंसान. फ्रेंड्स आर योर सपोर्ट सिस्टम.
ऐसे जो अच्छे सच में फ्रेंड्स होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि भाई तेरा हो जाएगा, चाहे उनको उनको पता हो कि तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, पर कहते कोई हैं मतलब नहीं, बस जरूर बोल देते हैं हो जाएगा हो जाएगा। तेरा हो जाएगा। हम हर सैटरडे हमारी एक छोटी सी पार्टी होती थी, गेट टुगेदर। आई नेवर यूज टू मिस दैट, क्योंकि ना वही मेरा स्ट्रेस रिलीवर होता था। पूरे हफ्ते पढ़ लिया एकदम अच्छे से, सैटरडे को हम सब मिलके एक छोटी सी पार्टी कर ले किसी के घर में। और रौरकला सा शहर था, वहां कुछ एवेन्यूज नहीं थे, तो बस किसी एक फ्रेंड के घर चले गए, बैठ लिए, रात भर बातें बातें कर ली, बस इट वॉज फन। सो आई नेवर यूज टू कट ऑफ। बट सोशल मीडिया थोड़ा कम कर दिया था मैंने, फेसबुक पे इंटरेक्ट करना, एंड इंस्टाग्राम तब नहीं था शायद, आई डोंट रिकॉल, तो कहने मैंने का नहीं मतलब है यूज। कि रैंडम लोगों से नहीं बात करके, जिनको आप जानते हो, जिन पे यस, भरोसा है, जो आपके ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं, उनसे जो बातचीत जिनसे आप आप करते अगर रहो। कहो कि मेरे आज पढ़ने का मन है, मैं नहीं मिल सकती या मैं नहीं आ सकती, दे विल अंडरस्टैंड। ग्रेट, बट स्टे कनेक्टेड, डोंट कट ऑफ योरसेल्फ। कट ऑफ करोगे तो आपका नहीं होएगा, आप डिप्रेशन में जाओगे, फिर कोई गलत स्टेप उठाओगे। उसी टाइम में ये सपोर्ट सिस्टम आपका बहुत काम देता है। बहुत काम देता है। तो मैनेजिंग योर स्टडीज, ऑफ कोर्स स्टडी विल बी योर 90% 95% पार्ट, लेकिन उस 90-95% को बनाए रखने के लिए वो 5% पार्ट बहुत जरूरी है, जो कि आपका सोशल लाइफ है। यस 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 राइट राइट, डेफिनेटली मैम। एंड हम लोग को जो क्वेश्चंस आए, इतने सारे सवाल आए, उसे बहुत सारे कॉमन टाइप के सवाल थे कि किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। एक क्वेश्चन जो मैम मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्राइक कर रहा है, और वो ये है कि ये है क्वेश्चन मंगल यादव का है, ये मेरे को स्ट्राइक किया, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये कि हाउ कैन अ कैंडिडेट जज हिमसेल्फ और हरसेल्फ वेदर ही और शी इज फिट फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन और नॉट। बहुत ही बड़ा ब्रॉड सा क्वेश्चन है। पता क्योंकि जैसे अभी जिस है, पोजीशन पे कोई है मैम, अभी किसी पोजीशन पे कोई है, अब इसी इंटरव्यू को देखने के बाद कोई सोच रहा होगा, इसी टॉक को देखने का कोई सोच रहा होगा कि मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, तो व्हाट अबाउट इट, हाउ कैन ही और शी जज हिमसेल्फ कि दे कैन प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा कुछ ऐसा डिमांड कर रहा है, ये आपसे मांग डिमांड करता है कुछ बेसिक तीन चार चीजें, आपका हार्डवर्क है ना, परसिवियरेंस, आप कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं। कंसिस्टेंसी चाहिए, बस वही। लोग, मैंने मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने नौकरी के साथ हर दिन 5 घंटे दिए, वीकेंड में 7-8 घंटे दिए, एंड दे हैव क्रैक्ड इट, दे हैव राइट, डन इट। दे हैव सो डन इट। दैट इज हाउ इट कैन बी डन। सो मुझे लगता है सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपकी ड्राइविंग मोटिवेशन क्या है, आपको सिविल सर्विसेज क्यों करने का मन है, एंड डू यू थिंक इट इज कंप्लीटली जस्टिफाइड, और आपको वो ड्राइविंग मोटिवेशन आपको पूरे यूपीएससी की जर्नी में मोटिवेट करके रख सकती है कि नहीं। पैसा अगर चाहिए, पावर अगर चाहिए, तो सुपरफिशियल हो जाता है। सोच लो कि बस यही सुपरफिशियल चीजों के लिए आप सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन करना चाहते हो क्या, कि मुझे बहुत सारा पावर मिल जाएगा। ऑलवेज रिमेम्बर, पावर कम्स अलॉन्ग विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको एग्जैक्टली एक बहुत बड़ा पावर मिलेगा, आपको उसी एक लेवल बहुत बड़े की, जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, और उसी तो लेवल की आपको अकाउंटेबिलिटी भी होगी। आप उस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो। और सबसे बड़ा चीज होता है सोशल सर्विस करने का, एक जुनून होता है, जज्बा है कि कुछ करना है सोसाइटी के लिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप वो कर सकते हो। सिविल सर्विसेज उस हिसाब से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट हैव अ क्लियर माइंडसेट कि भाई मुझे सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन करनी है क्यों। सेकंड, कैन विथ माय प्रेजेंट जॉब, प्रेजेंट पोजीशन, कैन आई डू इट, कैन आई जस्टिफाई इट, बिकॉज इट डिमांड्स कंसिस्टेंसी फ्रॉम मी, हार्ड वर्क फ्रॉम मी, स्मार्ट वर्क फ्रॉम मी। 9 से 9 पढ़ना नहीं होता यूपीएससी के लिए, ये कहीं नहीं लिखा है। मैं कभी 9 से 9 नहीं पढ़ती थी, आई हैव नेवर डन दैट। बट जब भी पढ़ो, अपनी जी जान लगा के पढ़ो, तब नो डिस्ट्रैक्शन। 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, एकदम अच्छे से पढ़ो। एकदम तो अच्छे से। कैन यू डू दैट और नॉट। थर्ड इज, आप आपके लिए क्या बोलते हैं, उसके लिए डू यू हैव द रिसोर्सेज और नॉट, व्हाट विल बी योर स्ट्रेटेजी। सो टेक ऑल ऑफ दिस इनटू कंसिडरेशन, और एज अ पर्सन आप कैसे हो। सो थिंक ऑल ऑफ दिस टुगेदर, एंड फिर आपको लगेगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। राइट राइट, तो मैं भी हमारे जो देख रहे हैं मेरे दोस्त, उनको बताना चाहूंगा कि मैम ने जो कहा एज अ पर्सन आप कैसे हो, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ये कभी कभी इग्नोर्ड रह जाता है कि एज अ पर्सन आप कैसे हो, बिकॉज यूपीएससी प्रिपरेशन इज एक्चुअली अ जर्नी,
ये एक जर्नी है, जिस जर्नी में आप कैसे हो बहुत बड़ा मैटर कर जाता है। आप जैसे होंगे आपकी प्रिपरेशन भी वैसी ही चलेगी। जिस लेवल मुझसे का सब पूछते हैं कि GS4 एथिक्स मैम कैसे पढ़ा आपने, क्या लिखा उसमें? मैंने जब हाँ फर्स्ट टाइम मेंस लिखा था, मेरे 108 या 110 आए थे उसमें, एंड आई हैड लेफ्ट सम क्वेश्चंस, फिर भी मेरे अच्छे नंबर्स आए थे। मैंने उसके लिए बहुत अलग से कुछ प्रिपरेशन नहीं करी थी, मुझे लगा था वो मेरी पर्सनैलिटी है, मैं एक पर्सनालिटी टॉपिक के बारे में कैसे समझती हूँ, क्या सोचती हूँ, मेरी थिंकिंग कैसी है, दैट इज हाउ इट शेप्स अ पर्सन। सो वो सोचिए आप पहले, तो राइट। ये नहीं कि शॉर्टकट मार लिया या कुछ, मैं जिस्ट पढ़ के चला जाऊंगा, चली जाऊंगी और लिख के रट के आ जाऊंगी तो हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होएगा। ये तो है, हार्ड कोर वर्क की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा हार्ड कोर वर्क की जरूरत है, और साथ ही साथ मैम सेल्फ वर्क मतलब तो खुद पे भी काम करने की जरूरत है, सेल्फ पे भी वर्क काम, भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैम ये जो आपने बातें बताई हैं अपने स्टार्टिंग से लेकर के, और बहुत ही एक इंस्पायरिंग जर्नी जिसमें कि आपने अपने घर के बारे में, अपने आदतों के बारे में भी आपने शेयर किया, आपके बचपन में जो आपका एक छोटा सा मोटिवेशन, एक चिंगारी लग गई थी वहां पे, उसके बारे में बात किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम आपसे इतनी सारी चीजों के बारे में बात करके। मैम आखिरी में मुझे बताइए कि आप एट लास्ट व्हाट यू वांट टू से टू दोस एस्पिरेंट्स हु आर जस्ट बिगिनिंग राइट नाउ, जो अभी सपना देख रहे हैं कि आपके जैसे एक आईएएस ऑफिसर बनने का, ऐसी एस्पिरेंट्स हैं, ऐसी गर्ल्स हैं जो कि ये सपना देख रही हैं आपकी पोजीशन पे पहुंचने का, आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं आई विल नॉट शेयर एनी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी, उसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ना स्ट्रैटेजी बहुत तरह के होते हैं, आपके लिए क्या काम करता है आप वो देखो, किसी को इमिटेट मत करो, सबकी अपनी एक यूनिक, हर एक इंसान एक यूनिक इंसान होता है, उसकी यूनिक पहचान होती है। मैं आपको ब्रॉड चीजें बताऊंगी जो मुझे हेल्प की थी। हार्डवर्क हैज नो सब्स्टिट्यूट, लक, मैंने इस बार मेरे 10th रैंक को लक का बिल्कुल, आई डिड नॉट गिव एनी क्रेडिट टू लक, ये लक नहीं था मेरा, 10 नंबर आना लकी नहीं था, मैंने कहीं पे भी नहीं बोला कि लक की वजह से मेरा 10 रैंक आया। ये मेरे 2013 से लेके 2008 से लेके जो छोटी 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 मेहनतें थी ना, उसका रंग है। सो 12 साल की मेहनत है ये मेरी, हाँ, जब हम हर सक्सेसफुल हो जाते तो लोग कहते हैं ओवरनाइट सक्सेस मिल गया, लेकिन वो ये नहीं देखते कि नहीं 12 साल से बन रहा है, वो ओवरनाइट हुआ है। वो ओवरनाइट हुआ है। तो हाँ हार्डवर्क हैज नो देर इज नो ऑल्टरनेट टू हार्डवर्क। सेकेंड इज, इस एग्जाम में कंसिस्टेंसी की बहुत जरूरत है। आप अगर आज ये 4 घंटे पढ़ रहे हो, ये नहीं कल सोच लिया अरे बहुत पढ़ लिया कर, आज एक दिन छुट्टी, परसों भी एग्जैक्टली थोड़ा ब्रेक मार लेते हैं, नहीं, हर दिन एक शेड्यूल बनाओ, एक टारगेट लो कि मुझे ये खत्म करना है, और उस टारगेट को 1 महीने में कंप्लीट करो, और अपनी लाइफ को बैलेंस्ड बनाओ। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ते ही रहना होता है, अपनी हॉबीज परस्यू करो। अनुदीप दुरीशेट्टी की बात याद आती है मुझे, जब उनका पढ़ा था वो बहुत एक इंस्पायरिंग था मेरे लिए, आई रियली लाइक हिज वे। उन्होंने बोला मैं बहुत खेलता था, मैं बाहर जाता था, ही यूज टू बैलेंस इट आउट। सो ऐसा कोई नहीं होता, हम टॉपर्स ऐसे नहीं होते कि हम दिन भर पढ़ाई करते। सो बैलेंस योर लाइफ, स्टडी स्मार्ट, रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल हैं, उनको नैरो डाउन करिए। वो उसने कितना पढ़ लिया, मैंने कम पढ़ा, मैंने उसने वो पढ़ लिया, कंपेयर नहीं करो, अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाओ एंड कीप वर्किंग ऑन इट। इम्प्रूव करते रहोगे इन द प्रोसेस, यू विल गेट मच्योर्ड एंड स्टे फोकस्ड, डोंट, ज्यादा पैनिक नहीं करना हर चीज में, अपना काम। मेरे हस्बैंड हमेशा कहते थे कर्म करते जाओ, क्या रिजल्ट आएगा तुम्हें तो पता नहीं है, तो पढ़ते जाओ तुम अपना। सो वन डे इट विल फ्रुक्टिफाई, डोंट वरी। एंड फॉर दोज इट डज नॉट एंड अप वेल, ऐसा नहीं कि सबका यूपीएससी कन्वर्ट होता है, ऐसे बहुत है जिनका नहीं होता है, देर आर सो मेनी अदर वेज। क्योंकि ना आपको पता है यूपीएससी की जर्नी में आपने बहुत नॉलेज गेन किया है, आपने जिस दिन डिसाइड किया ना यूपीएससी स्टार्ट करना है, आप तभी अलग हो गए पूरे क्राउड से, आप ऑलरेडी यू आर एन अचीवर। अपने नॉलेज को आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, प्लीज यूज दैट एंड राइट, डोंट लूज हार्ट, यू आर योर सेल्फ अ विनर इन एब्सोल्यूटली, सो डोंट लूज हार्ट। ऑब्वियसली ऑब्वियसली मैम, बिल्कुल। मैं एक स्टूडेंट को जानता हूँ जिन्होंने यूपीएससी 2 बार ट्राई किया, जान लगाकर मेहनत की, लेकिन नहीं हुआ सिलेक्शन। लेकिन आज की डेट में ही इज डूइंग वेल, ही हैज स्टार्टेड अप हिज ओन बिजनेस,
एंड द आइडिया ऑफ हिज बिजनेस ही गॉट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी ओनली. वहीं पे जब वो पढ़ाया जाता था अर्थक्वेक इंजीनियरिंग और ये सब अर्थ ज्योग्राफी में पढ़ाते ना अर्थक्वेक वगैरह के बारे में. हाँ, हाँ, हाँ. तो वहीं से उसने वो इंजीनियर तो था ही, तो वहीं से उसने बोला जब ये सब चीजें भी की जा सकती है, मेरे को इंटरेस्ट भी है, व्हाई नॉट आई सेट अप अ फर्म फॉर माई सेल्फ और वहां पे मैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स की डिजाइनिंग किया करूंगा. तो अपॉर्चुनिटीज हमें कहीं से भी मिल सकती है. इट्स नॉट अबाउट इट कि आप यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं हुए तो वहां पे दी एंड हो जाता है. लाइफ बहुत बड़ी है. है ना, बहुत बड़ी है. सो मैम थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके. पर्सनली आई एम फीलिंग वेरी मच इंस्पायर्ड एंड आई विल इंस्पायर मोर पीपल नाउ विद योर एग्जांपल. सो थैंक यू सो मच मैम फॉर ब्रेकिंग ऑल दीज मिथ्स एंड सेटिंग अ ट्रेंड. और ये एग्जाम्पल मैं बहुत लोगों को दे सकता हूँ आपका अब आने वाले टाइम पे. और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. और मैम आई होप कि इसी तरीके से आप आगे भी हमें हमारे से कांटेक्ट में रहें और कभी भी कोई भी, हाँ तो कभी भी इसी तरीके का आपको कभी भी कोई भी इंस्पिरेशनल कुछ भी आपको बताना हो किसी को तो यू कैन ऑलवेज यू आर ऑलवेज थिंक ऑफ दिस चैनल एज योर ओन एंड यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी एंड यू कैन टेल कि सागर मेरे को कुछ बताना है इन लोग को तो आई एम ऑलवेज रेडी. चलिए मैम थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट सबको. And everyone can do it. ऐसा कुछ नहीं है. You are from a small town, big town. Coaching किया नहीं किया. पढ़ो अच्छे से मन लगा के and stay focused and stay happy. Be a good human being. अच्छे इंसान बनो. बाकी सब अपने आप हो जाएगा. Okay? Thank you so much. Thank you so much, ma'am. जय हिंद. जय हिंद. तो आखिरी तक आप पहुँच ही गए. हाईली पेशेंट हैं आप. हाईली पेशेंट एंड तक यहाँ तक पहुँचे हैं तो खुद को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए क्योंकि संजीता मैडम ने जैसा कहा कि पेशेंस बहुत चाहिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में. और मैं कहूँगा पेशेंस इस एग्ज़ाम को ही नहीं, वो तो खैर उन्होंने इस एग्ज़ाम के बारे में बात की, लेकिन किसी भी फील्ड में आपको पेशेंस चाहिए. आपका भी वक्त आएगा और ज़रूर आएगा, लेकिन एक क्वालिटी जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है पेशेंस. क्या आप पेशेंस से 40 मिनट सोच पाए? क्या अपनी ज़िंदगी को आप रिवाइंड कर पाए कि अभी तक आपने क्या किया है और आगे का पाथ आप सोच पा रहे थे? जब इंटरव्यू चल रहा था तब आप क्या इमेजिन कर पा रहे थे कि आगे क्या आप करने वाले हैं? क्या आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एक ऑब्जेक्टिव क्रिएट हुआ कि मुझे भी ये करना है करके? अगर ये सब हुआ है दोस्तों तो कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ. आई क्लैप फॉर यू एंड यू विल बी यूज इन द कमिंग फ्यूचर. आई वुड लाइक टू टेक योर इंटरव्यू वन डे. जय हिंद, वंदे मातरम.